विंटर ओलंपिक के लिए क्या है चीन की जीरो कोविड नीति? खेल के दौरान संक्रमित होने पर होगा ये परिणाम, कितना लंबा होगा आइसोलेशन? नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। बीजिंग विंटर ओलंपिक की शुरुआत 4 फरवरी से हो रही है। इसमें लगभग 5,000 से ज्यादा एथलीट, सपोर्ट स्टाफ और मीडिया के लोग शामिल हो सकते हैं। बीजिंग पहुंचने से लेकर वहां से निकलने तक सभी लोग इस सख्त बायो बबल में रहेंगे। चीन ने बीजिंग ओलंपिक को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी। विंटर ओलंपिक के लिए चीन ने जीरो कोविड नीति की तैयारी की है। चीन ओलंपिक में शामिल होने वाले हजारों खिलाड़ी और स्टाफ को विशालकाय बायो बबल के अंदर सील करने की तैयारी कर रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए चीन ने 200 किलोमीटर 120 मील का विशाल बायो बबल तैयार किया है। इसके अलावा बीजिंग पहुंचने के दौरान से लेकर ओलंपिक के दौरान संक्रमित होने की स्थिति तक के इंतजाम किए गए। कैसे होगी टेस्टिंग? सभी एथलीट टीम के अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों को चीन जाने से पहले 2 हालिया निगेटिव रिपोर्ट दिखाने होंगे। ओलंपिक स्थलों पर जाने से पहले हवाई अड्डे पर उनका फिर से टेस्टिंग होगी। खेल के दौरान PCR प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए सभी के गले के स्वैब के नमूने लिए जाएंगे, जिसके परिणाम एक दिन के भीतर आ जाएंगे। सभी को पहले से ही टीकाकरण कराना होगा, नहीं तो 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। क्या होगा अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है? सबसे पहले एक पुष्टिकरण परीक्षण होगा। जिस किसी में भी COVID-19 के लक्षण होंगे उन्हें अस्पताल जाना होगा। बिना लक्षण वाले लोग आइसोलेशन फैसिलिटी में भेजे जाएंगे। दोनों ही मामलों में तब तक प्रतिस्पर्धा में शामिल होने में असमर्थ होंगे जब तक कि कोरोना रिपोर्ट 2 बार निगेटिव ना आ जाए। 4 फरवरी से हो रही है ओलंपिक की शुरुआत। आयोजक ने कहा है कि कचरे को लेकर एक विशेष कर्मचारी टीम बनाई गई है। टीम बबल के भीतर ही कचरा इकट्ठा करेगी और उसे ट्रांसफर करेगी। इससे कोरोना का बाहर के लोगों से आने का खतरा कम हो जाएगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक की शुरुआत 4 फरवरी से हो रही है। इसमें लगभग 5,000 से ज्यादा एथलीट, सपोर्ट स्टाफ और मीडिया के लोग शामिल हो रहे हैं। आइसोलेशन कितना लंबा होगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों का लगातार रिपोर्ट निगेटिव आ रहा हो और उसमें कोई लक्षण भी ना हो। उनका परीक्षण PCR लैब परीक्षणों से किया जाएगा जो वायरस की छोटी मात्रा का पता लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद वायरस फैलने की संभावना हो सकती है। आइसोलेशन कितने समय तक चल सकता है, इस पर अनिश्चितता चिंता बढ़ा रही है। टेस्ट किट अलावा और क्या? बीजिंग ओलंपिक के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रायन मैकलोस्की ने कहा कि बीजिंग वे ये मूल्यांकन करते समय टेस्टिंग के अलावा अन्य कारकों को देखेंगे कि क्या कोई आइसोलेशन छोड़ सकता है। व्यक्ति का पिछला इतिहास क्या है? क्या उन्होंने इससे पहले कोविड हुआ था? क्या उसका पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है? आयोजकों ने कहा है कि वायरस के निम्न स्तर वाले लोगों के लिए आइसोलेशन पर कम कठोर दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे। उन्होंने परीक्षण सीमा में ढील दी जिसके लिए आइसोलेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन कहा गया कि वायरस के पता लगाने योग्य स्रोत वाले लोगों को अभी भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि दूसरों के साथ संपर्क सीमित करना और एक के बजाय एक दिन में 2 परीक्षण कराना। जैसा कि वैज्ञानिकों ने COVID-19 के बारे में कहा कि ये कैसे फैलता है, कई देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने आइसोलेशन आवश्यकताओं में संशोधन भी किया। जैसे कि अमेरिका में कोई लक्षण नहीं होने की स्थिति में लोग 5 दिनों के बाद आइसोलेशन समाप्त कर सकते हैं, यह देखने के लिए टेस्टिंग किए बिना कि वे निगेटिव हैं या नहीं। लेकिन उन्हें सलाह दी जाती कि यात्रा और उच्च जोखिम वाले अन्य लोगों से बचे। जाँच में संक्रमित पाए गए। आयोजकों ने बताया कि 4 जनवरी के बाद से यहाँ पहुंचे 2586 एथलीट, टीमों के अधिकारी और अन्य लोगों में से 39 लोग बीजिंग हवाई अड्डे पर उतरने के बाद हुई जांच में संक्रमित पाए गए। वहीं 33 अन्य लोग आम जनता से खिलाड़ियों को अलग रखने के लिए बनाई गई बबल व्यवस्था में पहुंचने के बाद संक्रमित पाए गए। बयान में इन संक्रमित लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई। चीन ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए 21 दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य किया था, लेकिन ओलंपिक के लिए आने वाले को संक्रमित न होने की पुष्टि होने पर इस नियम से छूट दे दी थी। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।